చెర్రుపూడి గణేష్ చెర్రుపూడి వాళ్ళ చెర్రుపూడి రేణు మూల్ మజా వాళ్ళ बड़ा मजा ले रहे हैं गाइस और सब लोग। फाइनली गाइस बहुत दिन के बाद मैं यहाँ पे आया हूँ तिलक नगर, मुंबई तिलक नगर टर्मिनस। काफ़ी दिन के बाद यहाँ पे प्रस्तुत हो रहा हूँ और काफ़ी सोच रहा हूँ दिखाने का, क्योंकि मेरा सिस्टर लोग आए छत्तीसगढ़ से, तो उन लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि अभी उन आज शाम को 4 बजे उतरे और मैं 4 बजे से रूम से निकला हूँ। अभी ब्लॉग बना रहा हूँ तो बने रहना, एक छोटा सा ब्लॉग बनाऊँगा, छोटा खास बड़ा भी नहीं बनाऊँगा। और बताओ और कैसे हो आप सब लोग, हमारा यूट्यूब चैनल का फैमिली सब लोग देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो और फॉलो नहीं करते हो। यार यही तो प्रॉब्लम है सबसे, लाइक और फॉलो करो यार भाई, ताकि सपोर्ट दिखाओ, ताकि मैं भी मजा लूँ। टर्मिनस 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आ चुका हूँ, अभी जा रहा हूँ अंदर, एंट्री कर रहा हूँ। थोड़ा सा प्रॉब्लम देखे, कितना खूबसूरती दिख रही है, सब गाड़ी पार्किंग है यहाँ पे। और मैं जा रहा हूँ टर्मिनस, मेन जो टर्मिनस जो जहाँ टिकट काउंटर है यहाँ पर जा रहा हूँ अभी मैं तो फिलहाल। अभी कहाँ पे है पता नहीं मेरे को, ताकि मैं पहचानता भी नहीं हूँ उन लोगों को बराबर से, और उन लोग भी मेरे को नहीं देखे, फ़ोटो में सिर्फ देखे हैं और मेरे को कभी देखे ही नहीं सामने से, कभी फेस टू कैसे दिखता हूँ मैं भी नहीं जानता हूँ उन लोग कैसे दिखते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ काफ़ी और मज़ा आ जाएगा, ताकि तुम बने रहो वीडियो में, ताकि देखेंगे अभी कैसी क्या है। उन्होंने आ रहे हैदराबाद से मेरे ख्याल में, मैं तो नहीं जान रहा हूँ, पर उन्होंने रात को मेरे को फ़ोन किए 5 बजे नहीं लगभग 4:30 बजे लगभग फ़ोन किए थे। तो मैं सोचा क्यों ना अभी इतना दूर आ गए तो मैं लेने जाऊँगा उनके। देखे सीन गजब से दिख रहा है, और मैं तो इधर सब पार्किंग है, पूरा पार्किंग काफ़ी ज़्यादा है, और मैं जा रहा हूँ अंदर से, इस अंदर साइड से। मैं सोचा था रात से वीडियो बनाऊँ, क्योंकि रात को निकला ना तो अंधेरा पूरा दिख रहा था, क्योंकि दिख ही नहीं रहा था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाया। तो देख सकते हैं यहाँ पे तिलक नगर है, गजब दिख रहा है, और हम लोग आगे निकल रहा हूँ। लगता है ये वाला जो ट्रेन दिख रहा है यहाँ पे ना, वही ट्रेन से आया लगता है मेरे ख्याल रात को। अभी तो पता नहीं, अभी टर्मिन जहाँ टिकट काउंटर है वहाँ पे जाऊँगा ना तो मालूम पड़ेगा कि कहाँ पे है इन लोग। कितना धूप भी बहुत गजब लग रहा है, मालूम है यहाँ का पास। इधर बहुत दिन के बाद एंट्री कर रहा हूँ, देख रहे हैं गजब दिखता है, पूरा सीम ज़बरदस्त है भाई। कभी अगर आना है तो यहाँ से, काफ़ी लोग यहाँ से जाते हैं बिहार यूपी सब, यहाँ से ट्रेन सबसे अच्छा मिलता है, यहाँ से हल्का होता है, और क्योंकि प्लेटफॉर्म भी साफ रखते हैं और काफ़ी यहाँ पे अच्छा रहता है। और क्या बताऊँ, सब लोग सपोर्ट दिखाओ भाई मेरे को भी। और आदमी मैं नया नया ऐसे वीडियो बनाते रहता हूँ, जहाँ घूमने जाता हूँ वहाँ का ब्लॉग तो उठा ही लेता हूँ, पर कभी कभी कैसा है मेरा लेट रहता है कि मैं ब्लॉग बना नहीं पाता हूँ, क्योंकि मेरे पास कभी कभी काम में हम लोग बिजी हो जाता हूँ तो बना नहीं पाता हूँ इस कारण से। बाकी कुछ नहीं, बाकी देख रहे हैं, देखो तिलक नगर टर्मिनस, मैं बैक कैमरा से दिखाता हूँ, देख सकते हैं बैक कैमरा से दिखा रहा हूँ कितना मस्त दिख रहा है। देखो तिलक नगर टर्मिनस, और ये है गजब गजब का सीम है भाई यहाँ पे, और इधर पूरा पार्किंग है। अभी तो गाड़ी निकल चुका है, और मिलते हैं और बाद में, और मैं देखता हूँ उन लोग कहाँ पे है। और देख सकते हैं ये साइड से मैं आया, मतलब इधर से मैं आया, एंट्री किया, और ये हाईवे रोड है, और ये साइड चेंबूर है, ये साइड, और मैं अंदर एंट्री कर रहा हूँ। अभी देखते हैं अभी उन लोग कहाँ पे हैं, उन्होंने बोले कि अंदर है, बोले देखते हैं अभी क्या है। गजब तो दिख रहा है, ये देख सकते हैं यहाँ पब्लिक, काफ़ी पब्लिक रहता है यहाँ पे। तो उन लोग को एक बार फ़ोन करता हूँ, उन लोग कहाँ पे है, उन लोग को एक बार पूछ ही लेता हूँ। फिर भी फ़ोन नहीं उठा रहे, तो फिर भी कह रहे कौन है फोन ही नहीं उठा रहे। मैं बोल रहा हूँ वो साइड कौन सी साइड उतर गए, बोल रहा हूँ मैं वो सामने था, मैं सामने से मेरे को सुना नहीं दे रहा, क्या बोल रहे ये लोग, उठे भी नहीं अभी सोए मैं तो कितना मैं 4 बजे उठ गया था, तुम जैसे फ़ोन कैसे उठ के फिर बड़ा सर, मैं बोला ना बहुत लेट होता है, बोल
हम लोग फाइनली पहुंच गया हूँ, देख सकते हैं मिले सब लोगों को। और हम लोग जा रहे हैं अभी फिलहाल अभी ट्रेन पकड़ने के लिए। और अभी सब लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे, काफ़ी दिन के बाद एंट्री किया हूँ यहाँ पे, और हम लोग बहुत दिन के बाद ही एंट्री कर रहा हूँ, क्योंकि गजब सीन है यहाँ पे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इन लोगों को मिलना था, इन लोग फाइनली पहुँच गए ताकि कोई दिक्कत नहीं हुआ। और मैं तो वही सोच रहा था ताकि क्योंकि प्रॉब्लम बोले तो क्या, यहाँ का सीम अजीब सा है ताकि, क्योंकि थोड़ा डर भी लगता है लेडीज़ लोगों को आने के लिए। तो यहाँ पर फाइनली मैं पहुँच गया, बैक कैमरा में दिखाता हूँ यहाँ का सीम क्या है। देखो ये अच्छा है, मतलब पुराने मतलब ज़माना का स्टाइल दिए है। और यहाँ पे गजब इंसान लोग रहते हैं और सब लोग यहाँ पे तिलक नगर अच्छा, यहाँ साफ़ सफाई भी एकदम मस्त रखते हैं। और यहाँ मोबाइल चार्जिंग करने के लिए केबल दिए हैं, कभी भी कर सकते हैं चार्जिंग अगर ख़त्म हो गया तो। और ये है काफ़ी बड़ा स्टेशन है, आज का ब्लॉग बहुत लंबा होने वाला है लग रहा है मेरे ख्याल में। और बाकी तो सब बंद किए हैं और मैं तो आता नहीं हूँ, पर बहुत काफ़ी दिन के यहाँ से गेट नंबर है 1 2 3 पूरा यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ दिख रहे देखो। और देखते हैं आगे क्या होता है। फाइनली हम लोग बाय बाय गाइस, हम लोग सब लोगों को मिलके हो गया। अरे हम चलते हैं बाहर ट्रेन पकड़ने, लोकल वाला ट्रेन, और चलते हैं सबके साथ, सबके साथ अच्छा एंजॉय के साथ। फाइनली गाइस इन लोगों चार्जिंग ख़त्म हो गया है, इन लोगों को दिखा रहा हूँ कि मोबाइल चार्जिंग करने के लिए वहाँ पे चार्जिंग लगाओगे वहाँ पे मर गया, चार्जर है होगा ना चार्जिंग लगा, हाँ वहाँ लेके आओ वहाँ पे कोई वहाँ पे पूरा खाली यहाँ पे लगाए है ना पूरा। हम लोग तो कभी भी मैं आता हूँ तो ऐसे घूमने के लिए, कब बहुत दिन के बाद आया यहाँ पे, कभी आता ही नहीं वैसे। अरे सबका साथ मजा आता है मेरे को घूमने के लिए। चलो देख उतना ज़्यादा देख, यहाँ से काफ़ी लोग जाते हैं यहाँ पे, मतलब बहुत यूपी बिहार के बहुत गर्दी, अभी तो इतना गर्दी नहीं है, शाम को इतना गर्दी हो जाता है यहाँ पे, बाप रे गजब बात मज़ा आता है यहाँ पे, ऐसा लगता है कि बारात आया हूँ। मैं कई बार आता हूँ ना यहाँ पे, मैं बहुत रुकता हूँ, मतलब बहुत लोगों को दोस्त लोग मिलते हैं, दोस्ती बनाता हूँ, चलता हूँ। हेलो गाइस, हम लोग गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं फाइनली, अभी हमारा हो गया यहाँ पे स्टेशन के सामने, अभी लोग भी आ रहे साथ में, अभी हम आ जाओ इधर से मेरे साथ आओ, उधर मत चले जाओ नहीं तो भूल जाओगे। फाइनली हम लोग जा रहे हैं, इन लोग क्योंकि नए नए आए हैं तो मालूम नहीं है, और गेट से पहला नंबर में आ गए। बहुत धूप भी बहुत लग रहा है। अभी फाइनली हम लोग निकल गए बाहर, आओ देख सकते हैं यहाँ का सीन, और देख सकते हैं तिलक नगर टर्मिनस। और मिलते हैं गाइस और नेक्स्ट वीडियो में, अभी चलते हैं लोकल ट्रेन में, क्योंकि आज का ब्लॉग इतना ही है। यहाँ पे तिलक नगर काफ़ी सुंदर जगह है सुशील, और काफ़ी लोग यहाँ से छत्तीसगढ़ से आते हैं, और हम लोग तो महाराष्ट्र के, इस कारण से हम लोग तो CST ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि हमको यहाँ से थोड़ा अच्छा नहीं है तो सोचते हैं कि हम लोग वहाँ से जाते हैं, इस कारण से हम लोग यहाँ का पार्क दिखाता हूँ। पहले मतलब यहाँ पे ना पूरा मतलब एक मार्केट बेचता था इधर ये साइड, जब से गार्डन उर्डन बना उसके बाद ये सब बना ना पार्किंग सार्किंग, उसके बाद ये सब हुआ, उसके बाद मैं काफ़ी बार आता हूँ इधर से, पैदल भी आया हूँ मैं तो, उधर से पैदल ही आया यहाँ पे मेरे को। ये साइड आए थे कि घूमने के लिए वाला है साइड, अच्छा वहाँ था, मैं तो वहाँ तो था का। वो देख सामने जो है ना 5 नंबर प्लेटफॉर्म, उसके बाद वहाँ से फिर मैं ऐसा आने वाला था, फिर मैं सोचा पता नहीं उनके पास टिकट है कि नहीं, फिर मेरे को पकड़ लेंगे वो, फिर बाद में फिर बाहर से आए। यहाँ से जाने के लिए वहाँ सिर्फ जाने के लिए कम से कम 100 रुपये ले लेगा, यहाँ से पैदल जाओगे तो 5 मिनट का रास्ता है। टैक्सी लगेगी? नहीं भाई, किसी को टैक्सी की जरूरत नहीं, एम्बुलेंस पाएगी। यहाँ पे बहुत पार्किंग होता है यहाँ पे गाड़ी, अभी तो खाली हो गया, रात को मतलब आते हैं
सुबह क्या सब ये चला जाता है ना, पूरा बुक में चला जाता है। तुम लोग नहीं आना, मैं आ नहीं पाता तो तुमको ओला करना पड़ता था, ओला मार के तुमको फिर उधर लेने के लिए आऊँगा बोला था। फिर कैसा तो उठ गया तो अच्छा हो गया, नहीं तो इतना टाइम का आता तो आ नहीं पाता, बहुत लेट होता, 1-2 बज जाता था। तब तक तो तुम लोग भी रोते थे। हम फाइनली गए, हम लोग निकल गए अभी यहाँ से तिलंगना टर्मिनल, हम लोग बाहर निकल गए। ये खास ब्रिज ये हाईवे का, और हम लोग जा रहे हैं अभी बाहर लोकल ट्रेन पकड़ने के लिए। अभी तो हमको, मेरे को तो पता है लेकिन इन लोगों को मालूम नहीं है फिलहाल। और कभी भी अगर आएगा ना तो ये सीट, मैं इधर ही बोल रहा था, बाथरूम इधर ही अंदर अंदर, मतलब ऐसे हाँ नहाने के लिए भी है और सब। वो ये जो लाइन है ना, ये वाला लाइन सीधा जाएगा तो राइट साइड, राइट के लेफ्ट साइड। काफ़ी लोग यहाँ पे रुकते हैं, रुकने वाले, हम लोग तो नहीं रुकता हूँ। अभी हम लोग फाइनली हम लोग निकल गए हैं, अभी देख सकते हैं। अभी हम अभी रेलवे स्टेशन से अभी निकल गए हैं, अभी लोकल ट्रेन पकड़ने जा रहे हैं। यहाँ से फिर सीधा हम लोग विरार, वीडियो में बने रहो, आज का ब्लॉग में गजब गजब मज़ा आने वाला है, क्योंकि बहुत दिन के बाद मैं ब्लॉग में आया हूँ इस कारण से। अच्छा है ना, फ़ायदा है। हेलो गाइस, हम लोग पहुँच गए लोकल ट्रेन पकड़ने के लिए, अभी जा रहे हैं नीचे तरफ। अभी तो फिलहाल इन लोग नहीं जान रहे ना, उसने इन लोग पकड़ पकड़ के चला रहा हूँ, देख ले। पहली बार बम्बई आए इन लोग, इन लोगों को मैं तो हैदराबाद बुलाने के लिए बोलता हूँ तो इन लोग बम्बई आते हैं। हम भी एक बार घूमने नहीं गया हूँ सेट, कभी गए नहीं। अच्छा है, अच्छा है बोलते हैं। कहाँ पे? पहले पैसा तो कमा लो, कभी भी घूमना है रोड में आ जाओगे ना। हम फाइनली गए, पहुँच गए हैं लोकल ट्रेन पकाने के लिए। देखते हैं ये वाला ट्रेन में, अगर आसाम में आ जाओ, अगर हो सकता है तो देखेंगे। CST वाला ट्रेन है ना, बहुत भीड़ है लगता है मेरे ख्याल में। इतना उतरना चढ़ना होगा, नहीं उतरना चढ़ना नहीं, दो जगह उतरना पड़ेगा। ए लेडीज वाला आ गया, जाने दो ट्रेन को, नकद कर दिए, बहुत कर दिए। कहाँ पहुँच गए? चूना भट्टी पहुँच गए ना, वड़ाला में उतरेंगे, वड़ाला उतरेंगे उसके बाद चेंज करेंगे दूसरा वाला ट्रेन पर, फिर और चेंज करेंगे, फिर फाइट वाला पकड़ेंगे, फिर रूम पहुँचेंगे। फाइनली गए, हम लोग बैठ गए ट्रेन, अभी देख सकते बैक कैमरा में आप लोग को दिखाऊंगा, लोकल ट्रेन में बैठा हूँ। देख रहे हैं मेरे को बड़ा वाला बैग दिया। ये तो बहुत शर्मा रही है, और ये इन लोगों की वीडियो को भेजूंगा घर देखना, सब लोग ने जितने भी अच्छा लगे तो लाइक करना सब लोग, तभी मजा आएगा इन लोगों। फाइनली गए, सामने वड़ाला पहुँच गए, वड़ाला से अभी उतर गए, अभी जा रहे हैं सामने। गर्दी बहुत हुआ है, देख सकते ये वाला ट्रेन में आए, अभी जा रहे हैं। इन्हें तो बहुत हंस रहे बाबा रे, गर्दी बहुत चल रहा है। फाइनली हम लोग उतर गए, अभी जा रहे हैं सामने। बाप रे, चेंबूर वाला लग गया है। आ जाना तुम लोग, पीछे तरफ रहोगे तो रह जाओगे ना सब। प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर हर्बल लाइन वरुण बहुत धूप भी लग रहा है बाप, इतना बड़ा पब्लिक कहाँ कहाँ से आते भाई, ये इतना गर्दी बाप रे। फाइनली हम लोग पहुँच गए यहाँ रेलवे स्टेशन के यहाँ पे। अभी हम लोग जा रहे, इतना बहुत भाड़ भिड़ा के दिख रहा है, और हम क्या करेंगे, इतना गर्दी में तो जाने के लिए मुश्किल है, पर फिर भी कोशिश कर रहे हैं जाने के लिए, ले सकते हैं यहाँ पे। इसलिए हम लोग बहुत दिक्कत हो रहा है जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे इतना गर्दी है ना कि बैग भी पकड़ा तो जम नहीं रहा है जाने के लिए। और क्या बताऊँ, सब बढ़िया है सब लोग, इस कारण से देख रहे हैं ना, इतना गर्दी हो रही है, बम्बई में इतना भीड़ भड़ाका है,
गोरेगांव वाला ट्रेन लगता है, देखते हैं अभी जा पाते हैं क्या नहीं क्या। यहाँ से तो पूरा लोकल ट्रेन है और यहाँ पे गोरेगांव लगा है। फाइनली गाइस हम विरार पहुँच गया, देख सकते हैं ट्रेन खाली हो गया, सब लोग उतर गए, बाकी पीछे हैं। और इन लोग कहाँ चला, चलो फाइनली हम पहुँच गए विरार। अभी विरार एक नंबर प्लेटफॉर्म में, अभी देख सकते यही ट्रेन में आया। अभी जा रहा हूँ रूम, दिखाता हूँ रूम तक पहुँचने तक दिखाऊँगा वीडियो, सब लोग देखते रहो क्योंकि आज बहुत लेट हो गया। सुबह 4 बजे से घूम रहा हूँ विरार, वाडाला और चेंबूर, पूरा इधर से पूरा हार्बर लाइन पूरा ख़त्म करके आ रहा हूँ। और क्या बताऊँ, ताकि तुम लोग भी ज़्यादा घूमो मत, ठीक है। अभी का ज़माना में इतना ख़राब चल रहा है, बाप रे क्या जैसा बोलना चाहिए। और गर्मी का सीजन है, टोपी लगाए नहीं रहेगा ना तो बहुत धूप लगता है पूरा, इतना गर्म गर्मी सहन नहीं होता है इतना। यहाँ पे तो मुंबई में इतना गर्मी भी हाई फाई चल रहा है, आजकल के ज़माना खराब चल रहा है, गर्मी का खराब भी चल रहा है। इन लोग तो कहाँ पे चला गए पता नहीं, पीछे शर्माते बहुत कैमरा गए। देख आ रहे हैं धीरे धीरे एकदम, इन लोग कैमरा गांवटी वाले ना एकदम, कैमरा अगर देखेंगे और छुप जाते हैं पूरा, ऐसा लगता है जैसे कैमरा देखे नहीं ऐसा। और फोटो खींचने के लिए लड़की लोग बहुत स्मार्ट है, फोटो बोले तो एकदम जबरदस्त इन लोगों का फोटो आता है। और लड़का लोगों के साथ ऐसा अगर वीडियो बनाने के बोलेंगे तो शर्माते हैं। और देख रहे हैं ना पूरा पीछे भी इंसान आ रहे हैं, हम लोग तो जा रहे हैं अभी फिलहाल, बाद में दिखाता हूँ आगे जाके। विरार तो पहुँच गए, ये देखिए चार्ज गेट वाले ट्रेन लगा है, पूरा चिकमक चिकमक दिख रहा है। इतना भीड़ भड़ाका है रे बाबा, बम्बई में इतना सुबह शाम इतना भीड़ भड़ाका है। काफ़ी मज़ा आता है लेकिन घूमने के लिए बम्बई जैसा सिटी और कहाँ भी फ्री नहीं है, क्योंकि कानून बहुत कड़ा के यहाँ पे फ्री सबको रखा है और सब हिसाब से चलना चाहिए, सिंपल है सब लोग, सब जॉब वाले अच्छे एकदम सूट वूट में जाते। बाकी ये विरार स्टेशन, विरार स्टेशन तो पहुँच गए, यहाँ लेडीज डब्बा है और जेंट्स लोगों का भी है साथ में। फाइनली हम लोग देख रहे हैं एक दो दिन तीन दिन लगने थे, एक दिन में नहीं पहुँच पाए ना उसने। फाइनली एक नंबर से हम लोग निकल गए, देखने धूप देखना है। दूसरा वाला ट्रेन आ गया 2 नंबर में, पहुँच गया फिलहाल विरार। अभी 2 नंबर प्लेटफॉर्म में आया हूँ, सबसे पहले तो 1 नंबर में ट्रेन आया तो वहाँ से पैदल पैदल कितना दूर आ गया। अभी जा रहे हैं आगे तरफ, देखते हैं, बहुत धूप भी बहुत तेज़ी लग रहा है, धूप भी बहुत बढ़ गया है। अभी इन लोगों को पूछना पड़ेगा क्या करते हैं, बाथरूम जाते हैं क्या नहीं, पूछ लेते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नहीं तो कंट्रोल होएगा नहीं, इन्हें बहुत परेशान है नहीं तो मेरा लाइफ। फाइनली यहाँ पे हम विरार में रुका हूँ, अभी यहाँ बाथरूम में देखो विरार का बाथरूम यहाँ पे। अभी इन कितना टाइम तक करते हैं कि पता नहीं, अभी तो फिलहाल हम लोग पहुँच गए, 2 नंबर लास्ट है, अभी देखते हैं ऑटो बैठने तक देखता हूँ।